हे फैम व्हाट्स अप होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफस्टाइल सोविया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मसाले वाले आलू बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत इजी और सिंपल है, बच्चों को खाने में बड़े पसंद है। आपको पता है आलू ऐसी सब्जी है जो बड़ी किस्मों में तैयार होती है। ये मेरी रेसिपी बिल्कुल बहुत ईजी है, इसमें कोई लहसुन वगैरह किसी चीज़ को ऐड नहीं करना और बड़े टेस्टी ये मसाले वाले आलू बनते हैं, खट्टे खट्टे से ना। अच्छा, ये तकरीबन हाफ के जी आलू हैं जिनको मैंने इस तरह डी फॉर्म में ना ये मैंने काट लिया, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स में ये देख लें, हाफ टी स्पून है हल्दी, एक टेबल स्पून लाल मिर्च, एक टेबल स्पून नमक, एक टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ जो हम बाद में जब रेडी हो जाएंगे तब ये इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। इसके अलावा ये गार्निश में धनिया और चंद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यह है सब्ज़ प्याज, इसमें मेन बेसिक सब्ज़ प्याज का ही सारा टेस्ट होता है। ये सब्ज़ प्याज है, मैं तकरीबन इसकी ना दो पोतियाँ समझ लें, जो इसके वो दो लंबे से क्यूब्स होते हैं वो हैं, वो जो मैंने काटे हुए हैं, और ये चार टमाटरों की मैंने पेस्ट बना दी है। ये देखें बस, अब आप हाँ जी, ये फोर टेबल स्पून ये ऑयल है इसमें। अब ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया, इसको सिर्फ यह ब्राउन शराउन नहीं करना, बस ऐसे माइनर सा छोटे करना है हमने। बस जस्ट ऐसे, साथ ही इसमें टमाटर पेस्ट हमें शामिल कर देना। बहुत इजी रेसिपी है और बड़ी झटपट, जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या पकाएं या खाने को कुछ नहीं है और टाइम लगेगा, तो आप ये इसको रोटियों के साथ भी खा सकते हैं। ये वाले आलू, ये देखें, ये मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये आलू आप किसी खिचड़ी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। नमक चला गया, हल्दी चली गई और साथ ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करें। गरम मसाला जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, इसमें फाइनल जब आलू हमारे भून जाएंगे। ये देखेंगे फ्लेम थोड़ा सा मैं हाई करने लगी हूँ। अब इसी मसाले में, इसी ग्रेवी में मैं साथ ही आलू ऐड करने लगा। इनको मिक्स करके ढक्कन दे देंगे, ओनली फाइव मिनट कटिंग के अलावा ये हमारा खाना रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ही आलू मुलायम होते हैं, पक जाते हैं, गल जाते हैं, तो ये हम इस पे गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी मिर्चें हम साथ ही ऐड कर देते हैं ताकि ये खुशबू ना इसमें आ जाए, हरी मिर्चों की ना टेस्ट भी आ जाएगा। अब इसको ना मैं दम पे रखने लगी हूँ लो फ्लेम करके, ओनली फाइव मिनट्स के बाद मैं इसका फ्लेम खोलूँगी। ये लीजिए, फाइव मिनट बाद आप इसको हम खोल के देखेंगे, ये गल जाएंगे तो बस गरम मसाला ऐड करेंगे, हमारी डिश रेडी है। फाइव मिनट्स के बाद ये इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, हाफ़ टी स्पून ओनली। अब मैं ये देखती हूँ कि आलू गल गए, ये देख टेंडर हो गया गल, बड़ी अच्छी तरह से ये देखें, ये चलो जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया हमारा खाना। आज ये मसाले वाले आलू बने हैं बच्चों की फरमाइश पे। ये फुल फ्लेम करके ना थोड़ा सा इसका पानी का कुछ कर देंगे। इधर मैंने ना साथ में मूंगी दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने एक घंटा हो गया मूंगी की दाल और चावल भिगोए हुए हैं। प्याज को भी मैंने सर्व किया हुआ है और उसमें नमक और साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं, ओनली कोई गरम मसाला पीसा हुआ कुछ नहीं, साबुत गरम मसाला, सादी मूंगी दाल की खिचड़ी। आप इस तरह कह सकते हैं जो बीमारों को खिलाते हैं उस तरह की, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई और कोई वाफर चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ नमक और साबुत गरम मसाले। ये बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को। ये आलू हमारे डन हो गए हैं, ये देख लें जी, बस अब इन चावलों को मैं दम लगा दूंगी और हमारा आज का मेन्यू बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में शामिल रखिएगा
और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए अपने अजीज़ों को मेरे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ और मेरी वीडियोज़ को देखें, लाइक करें। मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़। तो ये अब हमने दम पे खिचड़ी लगा दी। अब जब हम दम खोलेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी।